प्रदेश में बढ़ती चुनावी सरगर्मी के बीच एक तरफ जहां कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ किसानों को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अलीराजपुर के भाजपा नेता अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ इसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। हाथों में खराब फसलों के साथ प्रदर्शन कर रहे ये लोग कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जी हां, हम आपको पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के दौरान बीजेपी के किसी प्रदर्शन का फुटेज नहीं बल्कि मौजूदा शिवराज सरकार के दौरान भाजपा नेताओं का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब राज्य में भाजपा की सरकार है तब भला ये लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों सड़कों पर उतरे हैं। दरअसल अलीराजपुर जिले के ये भाजपा नेता मौजूदा शिवराज सरकार में किसानों की बदहाली को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनका कहना है कि जिले के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है, मगर प्रशासन किसानों का सर्वे सही से नहीं कर रहा जिसके कारण किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नागर सिंह चौहान किसानों को मुआवजा देने के मामले में अपनी सरकार की विफलता का सारा ठीकरा प्रशासन पर फोड़ते नजर आए। शिवराज सिंह चौहान की सरकार किसानों का उड़द की फसल का नुकसान हुआ है, सोयाबीन की फसल का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे करवाना चाहती है, लेकिन अलीराजपुर जिले के जो पटवारी साहब है इतने लापरवाह है कि आज हमारा किसान खेत में जो उड़द की फसल का नुकसान हो उसको देखकर रो रहा है और पटवारी अपने घर में बैठ के सर्वे कर रहा है। आज का हमारा जो ज्ञापन था माननीय मुख्यमंत्री के नाम से, ये कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या कोई आंदोलन नहीं है। हमने सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जैसा प्रधानमंत्री बीमा योजना में शासन प्रशासन के द्वारा जो लापरवाही हुई वो लापरवाही 6-4 जो आरबीसी 6-4 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है उसमें जो सर्वे हो रहा है वहाँ अगर वहाँ नहीं चूक हो मात्र हम यही निवेदन माननीय मुख्यमंत्री से करना चाह रहे थे। ये कोई हमारी मांग नहीं है, सरकार ने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं और इतने 42,000 किसानों का प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना में पंजीयन भी हो चुका। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अलीराजपुर जिले में 1,17,000 किसान हैं और उसमें से मात्र 42,000 किसानों का बीमा होना ये कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही या चूक है। और हमको ऐसा डर लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे जो कहा है आरबीसी 6-4 में वहाँ भी अगर ऐसी चूक हो जाती है तो हमें ये लगता है कि हमारे जिले के बहुत सारे आदिवासी भाई और किसान योजना का लाभ मिलने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर के माध्यम से ये संज्ञान में लाया है कि प्रशासन ऐसी गलती न करे जैसा प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना ने की है और ठीक से सर्वे हो। और जैसा कि हम खेतों में जाते हैं तो ये हम देखते हैं कि पटवारी घर बैठे सर्वे करता है, वो कहाँ पर पीला खेत है उसको देखता है, पर यहाँ पर स्थिति अलग है। पीला खेत तो बर्बाद है पर जो हरा उड़द दिख रहा है वो भी बर्बाद है, वहाँ भी फली नहीं लगी है मौसम खराब के कारण, और सोयाबीन हरा दिख रहा है पर उसमें दाना नहीं आया है।
इसलिए हमारा प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ऐसा हम निर्देश दिलवाना चाहते हैं कि खेतों में स्थल पे जाके सर्वे करें, वास्तविक सर्वे करें, ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। धन्यवाद। कुल मिलाकर इन दिनों चुनावी सभाओं में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर किसानों को लेकर हमलावर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अपने ही नेता उनके अधिकारियों की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अलीराजपुर से एमपी न्यूज के लिए आशीष वाघेला की रिपोर्ट।